एवरीबडी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू स्वास्तिक एजुकेशन कैंपस। वी आर गोइंग टू स्टैंडर्ड वन सब्जेक्ट जनरल साइंस। आज हम जनरल साइंस में मॉडल पेपर कंप्लीट करने वाले हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक के लास्ट पेज में। ओके, आज मैं वर्कशीट फर्स्ट कंप्लीट करने वाली हूँ। ओके, तो आपको भी क्या करना है, आपकी वर्कशीट कंप्लीट करनी है और आपके एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है। ओके, आपको बार बार कहा जाता है अगर आप वीडियो नहीं देख पाते तो कम से कम आप पीडीएफ देखकर आपकी नोटबुक राइट डाउन करें, कंप्लीट करें। ओके, तो चलिए देखते हैं, ये इसमें आपका होमवर्क रहेगा, आपको इसको सभी को आपकी नोटबुक में राइट डाउन करना है। ओके, तो चलिए देखते हैं वर्कशीट वन, क्वेश्चन नंबर वन, गिव टू एग्जाम्पल फॉर ईच। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसके हमको कितने एग्जाम्पल देने हैं, टू एग्जाम्पल्स देने हैं। ये पहले आप लोगों ने सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाने पर ये कंप्लीट कर लिया है तो आपको इसके आंसर मिनिमम याद होंगे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं ब्रांचलेस ट्री। आपने जितने भी ट्री देखे होंगे उसमें ज़्यादातर ट्रीज में क्या होते हैं, ब्रांचेस होती है, मतलब शाखाएँ होती है। लेकिन आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है ब्रांचलेस, इसका मतलब आपको दो ऐसे ट्री के नाम बताने हैं जिसमें ब्रांचेस मतलब शाखाएं नहीं होंगी। फर्स्ट है कोकोनट, नारियल और एक है पालम ट्री, जिसमें क्या होते हैं, सिर्फ लीव्स काफ़ी ऊंचाई में होते हैं, उसके फ्रूट ऊंचाई में होते हैं, उसमें ब्रांचेस नहीं होते, बिल्कुल टॉल स्ट्रेट होते हैं। ओके, सेकेंड है क्लिम्बर ट्री, आपको पता है जो किसी की सपोर्ट के बिना नहीं खड़े हो सकते हैं, ऐसे प्लांट जिसको हमेशा सपोर्ट की आवश्यकता होती है, सपोर्ट के बिना ये कभी भी आगे ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो पी है जो आपका मटर और बीन्स, ये ऐसे हैं जो सर्कल, इस तरीके से सर्कल बने होते हैं क्लिम्बर ट्री में, तो इनकी जो कहना चाहिए कि इनकी ब्रांचेस होती है या इनके जो स्टीम्स होते हैं वो काफ़ी कमजोर अवस्था में होते हैं, जिनको हमेशा सपोर्ट की आवश्यकता होती है। थर्ड है हमारा क्लावलिंग एनिमल्स, क्लावलिंग मतलब जो ज़मीन पे घसीटने वाले होते हैं, दीवार पे घसीटने वाले एनिमल्स होते हैं। तो पहला है हमारा स्नेक सांप, लिजार्ड मीन्स छिपकली। ओके, तो आपने देखा होगा सांप को वो जमीन पे रेंगता है, घसीट के चलता है, और लिजार्ड आपने छिपकली को भी दीवार पे घसीट के चलते हुए देखा होगा। इंसेक्ट्स मतलब कीट पतंगे, जो छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं तो वो है एंट और हाउस फ्लाई, मतलब चींटी और क्या है आपकी जो मक्खियां होती, जिसको हाउस फ्लाई कहा जाता है। थ्रोनी प्लांट्स मतलब कांटेदार प्लांट्स, तो कैक्टस और लेमन प्लांट जो ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें क्या होते हैं, कांटे होते हैं, जिसकी वजह से ये एनिमल से सुरक्षित रहते हैं, इन्हें एनिमल खा नहीं सकते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, टेक राइट द राइट वर्ड प्रिंटेड इन अ बोल्ड, है ना, तो टिक अपने को क्या करना है, राइट करना है जो बोल्ड वर्ड में, जो डार्क कलर के वर्ड्स दिख रहे हैं जहाँ पर ऑब्लिक है, उन दो वर्ड्स में किसी एक में आपको क्या करना है, राइट करना है, जो लगता है कि ये करेक्ट आंसर है उसी में आपको राइट का निशान देना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, रोज ऑब्लिक सो फ्लावर हैज अ स्वीट स्मेल, तो स्वीट स्मेल मतलब मीठी खुशबू किसमें से आएगी, रोज में से आती है, तो मैंने किस पे टिक किया है, रोज में टिक किया है। सेकेंड है वी गेट एडेबल ऑयल फ्रॉम सनफ्लावर या कैलीफ्लावर, तो एडेबल ऑयल मतलब खाने का जो तेल होता है, तो आपकी मम्मी जब जाती होगी शॉप पे तो आप कभी साथ में गए होगे तो आपने देखा होगा मम्मी क्या बोलती है, सनफ्लावर देना, मतलब सनफ्लावर जो ऐसा फ्लावर है जिससे खाने का तेल बनाया जा सकता है। ओके, थर्ड है ब्रिंजल ऑब्लिक कैरोट इज यूज टू प्रिपेयर सैलाड, सैलाड में आप ब्रिंजल खाते हो कि कैरोट, तो हम गाजर खाते हैं, ब्रिंजल में बैंगन, तो इसकी वेजिटेबल भी बनाते हैं लेकिन इसको सैलाड में भी ज़्यादातर यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर है फॉक्स ऑब्लिक फ्रॉग लीव ऑन अ लैंड एज वेल एज वाटर, तो ऐसा कौन सा एनिमल है जो जमीन पे और पानी पे दोनों में रह सकता है, तो आपने मेंढक को देखा होगा, वो धरती पे भी क्या करता है,
हॉपिंग करता है, कूदता है, ठीक है। काइट ऑब्लिक कीवी कैन नॉट फ्लाई, कौन सा ऐसा बर्ड है जो उड़ नहीं सकता? तो कीवी आपने चैप्टर में पढ़ा था, कीवी जो ऐसा एनिमल है जिसके क्या है फेदर भारी होते हैं जिसकी वजह से वो उड़ नहीं पाता है। क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्टेड सुटेबल वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको सुटेबल वर्ड को इस बॉक्स में से लेना है और यहाँ पर ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है प्रोटेक्ट प्लांट्स, तो प्लांट को प्रोटेक्ट कौन करता है? थ्रोन्स मतलब कांटे, तो जो कांटे वाले प्लांट होते हैं तो उनको क्या एनिमल खा सकते हैं क्या? नहीं, इसलिए वो प्रोटेक्ट करते हैं, ओके। सेकेंड है क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, इज अ प्लांट ईटिंग एनिमल, कौन सा ऐसा एनिमल है जो प्लांट खाता है? तो आपको मैंने पढ़ाया था एलिफेंट। क्वेश्चन नंबर 3, हैव नो लेग्स, किसके लेग्स नहीं होते? तो स्नेक सांप के लेग नहीं होते हैं। हॉर्स आर कैप्ट इन अ, हॉर्स कहाँ रहता है? तो अस्तबल में। फिल इन द ब्लैंक्स इज अ बर्ड ऑफ प्रेरी, तो कौन सा ऐसा बर्ड है जो शिकारी पक्षी होता है? प्लेक कॉन, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो बर्ड होता है वो जो शिकारी पक्षी कहा जाता है, जैसे ईगल है वो भी शिकारी पक्षी है, लेकिन यहाँ पर फ्लेकॉन का नाम दिया गया है तो आप फ्लेकॉन फिल करोगे, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, राइट अगेंस्ट ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ अगेंस्ट स्मॉल वॉन्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 1, अ डक हैज अ वेब फिट, डक के वेब फिट होते हैं, तो यस डक जो ऐसा बर्ड है जो वेबफिट होने के कारण पानी में तैर सकता है। अ ग्रेप्स वाइन इज अ ट्री, तो ग्रेप्स वाइन ट्री होता है क्या? नो, द ट्रू ग्रो बिलो द ग्राउंड, जो रूट ग्रो बिलो द ग्राउंड, तो जो जड़ होती है वो कहाँ जाती है? ग्राउंड में ही जाती है, तो राइट। द लिली इज कॉल्ड द किंग ऑफ फ्लावर, तो रॉन्ग। अलमोंड इज द जूसी फ्रूट, तो रॉन्ग, अलमोंड जूसी फ्रूट नहीं है। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आपके वर्कशीट 1 का, मैच सुटेबिलिटी, आपको सुटेबल यहाँ पर वर्ड जो लगे उस पर क्या करना है, आपको मैचिंग करनी, यहाँ पर फिल करना है वो आंसर। मैंने नंबर डिस्ट्रीब्यूट किया है तो आपको यहाँ पर वो आंसर फिल करना है। वेल जो मछली होती है वो क्या है? लार्जेस्ट एनिमल के अंतर्गत आती है, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट में लिखना है लार्जेस्ट एनिमल। फ्रॉग, फ्रॉग जो होता है कैन लिव विद ऑन लैंड एंड इन अ वाटर, तो फ्रॉग एक ऐसा एनिमल है जो कहाँ रह सकता है? लैंड में भी रह सकता है और वाटर में भी रह सकता है। पेंगुइन, पेंगुइन एक ऐसा बर्ड है जो फ्लाइटलेस है, जो उड़ नहीं सकता है। 4, कैक्टस, कैक्टस में देखिए कौन सा आएगा? थ्रोनी प्लांट, कैक्टस जो होता है वो क्या है? थ्रोनी प्लांट है। बीन्स, बीन्स जो है क्लिम्बर ट्री होते हैं जिसके क्या होते हैं स्टीम जो होती है वो काफ़ी कमजोर होते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्लास 1 की साइंस की वर्कशीट 1 कंप्लीट कर दी है, आपको भी आपकी वर्कशीट कंप्लीट करनी है और आपकी नोटबुक में राइट डाउन करना है। थैंक यू।